अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद आज पूरा देश राममय हो गया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राम नाम की धूम और जश्न संगम नगरी प्रयागराज में भी खूब देखने को मिला। राममय हुई संगम नगरी प्रयागराज में अब एक और अनोखी मिसाल देखने को मिली है, जहां देवराहा बाबा की तपोस्थली पर श्री राम नाम की ज्योति कई सालों से प्रज्वलित हो रही है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम नाम की इस अखंड ज्योति के दर्शन के लिए संगम नगरी प्रयागराज में भारी भीड़ जुट रही है। प्रयागराज में गंगा के किनारे 50 फीट की ऊंचाई पर ये मचान है। इस पर एक अखंड ज्योति जल रही है, जिसको देखकर श्रद्धालु नीचे से हाथ जोड़ लेते हैं। दरअसल ये कोई साधारण अखंड ज्योति नहीं, बल्कि श्री राम नाम की अखंड ज्योति है, जो पिछले 10 साल से इस मचान पर जल रही है। गंगा में बाढ़ आए या फिर तूफान, इस ज्योति की लौ कभी कम नहीं होती। शास्त्रीय वृत्त से तो ये ज्योति साफ दिखाई पड़ती है। इस अखंड ज्योति का महत्व इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि आज से 10 साल पहले ये ज्योति अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण होने की दुआ के लिए जलाई गई थी। अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं। ऐसे में इस अखंड ज्योति का महत्व और बढ़ गया है। इस राम नाम की ज्योति के दर्शन के लिए संगम में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। संगम की रेती पर पिछले कई सालों से राम नाम की इस अखंड ज्योति का अलख जला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि देवराहा बाबा की स्मृति में आज तक इस लौ को बुझने नहीं दिया गया। इसकी लौ कभी कम नहीं हुई है। इतना ही नहीं, शास्त्री ब्रिज से गुजरने वाले लोग इस राम ज्योति का दर्शन हर रोज करते हैं। कितनी भी बरसात हो या फिर बाढ़ की स्थिति हो, आश्रम के पीठाधीश्वर इस अमर ज्योति को कभी बुझने नहीं देते। 100 फीट की ऊंचाई पर इस अमर ज्योति के लिए विशेष मंच को तैयार किया गया है, जिसमें अमर ज्योति निरंतर जलती रहती है। साथ ही सुबह शाम इसमें शुद्ध देसी घी भी डाला जाता है, ताकि ये ज्योति निरंतर जलती रहे। मचान वाले बाबा रामदास के मुताबिक राम नाम की यह अखंड ज्योति मानवता की रक्षा और सामाजिक हित के लिए प्रज्वलित की गई थी, जो आज भी जल रही है। ये ज्योति बाबा देवराहा बाबा के यादगार में इसकी स्थापना की गई। ये 1990 में 91 में हमारी संस्था देती है, उसमें देवराहा बाबा न्यास मंच की तरफ से उसमें जलाया दिया जाता है। ये स्थान इसलिए भी खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ देवराहा बाबा बैठकर साधना करते थे और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते थे। देवराहा बाबा ने फरवरी 1989 में संगम के किनारे लगे कुंभ मेले में घोषणा की थी कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। यहीं से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन का समर्थन किया था। बाती ही करीब करीब आपको 1 फीट की बाती दिन भर में जल जाती है, 5 लीटर की इस पर जल रहा है। बता दें कि इस राम नाम की अखंड ज्योति की स्थापना देवराहा बाबा आश्रम की तरफ से की गई थी। सुबह शाम इस आश्रम से जुड़े पुजारी रामदास नाव में बैठकर इस अमर ज्योति की आरती करने आते हैं। राम नाम के दीपक के पास 2 मचान हैं। एक मचान में बाबा रामदास खुद रहते हैं और दूसरे मचान पर राम नाम की ये ज्योति जलाई गई है। इन दोनों मचान पर किसी के भी चढ़ने या बैठने की अनुमति नहीं है। बाबा रामदास को मचान बाबा भी कहा जाता है। वो अपने मचान पर बैठकर ही अपनी साधना और पूजा करते हैं। इस दीपक को सिर्फ बाबा रामदास या उनके कहने पर ही कोई छू सकता है। इस स्थान पर हर साल माघ मेला और 6 साल पर अर्थकुंभ, 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। संगम में 1 महीने से अधिक चलने वाले मेले में पूरा तंबुओं का शहर बसता है। इस मेले में कई साधु संतों का जमावड़ा मेले में आकर्षण का केंद्र होता है और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को रोज लंगर परोसा और प्रसाद भी दिया जाता है।